हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 16.4 के आगे जो MCQ दिया है, यानी मेंजुरेशन चैप्टर का जो MCQ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शोन इन क्वेश्चन 12 अबव इज। क्वेश्चन 12 में जो डायग्राम दिया था, यानी ये वाला मैंने यहाँ पे बना लिया है, इसमें आपको क्या पता लगाना है? इस डायग्राम का एरिया पता लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पता लगाना था? इसका पैरीमीटर पता लगाना था। लगा लेंगे बेटा, देख लो। ए बी सी ई आपका क्या है? देख के ये आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा। अपोजिट साइड क्या है? बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ से। अच्छा, ई डी सी आपका क्या है? एक सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सर्किल को 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका निकल आएगा आंसर। समझ में आ रही बेटा मेरी बात? देखो कैसे होगा सोल्यूशन, ठीक है? इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो आप यहाँ लिखोगे, एक मिनट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल है? DEC, ठीक है? DEC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? πr² यानी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में 2, ठीक है? इसको लिखेंगे 1/2। 2 बाहर निकालिए, 1/2। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। अच्छा, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल यानी EC, EC आपका क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। EC की लेंथ होगी आपका AB के बराबर। AB 14 दिया है तो EC भी कितना हो जाएगा? 14। लेकिन EC आपका डायमीटर है, यानी EC कितना आ गया? 14। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 7, ठीक है? तो रेडियस का स्क्वायर तो 7 × 7 कर देंगे। समझ में आ रही बेटा मेरी बात कि नहीं आई? 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 2 11 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 77 cm². समझ में आया? ये आपका सेमी सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है? अब आप निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल EABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म RECT, EABC क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है EABC, ठीक है? लेंथ आपकी कितनी है? AB है, AB आपको 14 दिया। ब्रेथ कितनी है? AE है, वो आपको 10 दिया है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 140 आएगा मेरे ख्याल से cm². अब आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया ऑफ फिगर में क्या करोगे? दोनों को उठा कर प्लस कर दोगे। एरिया ऑफ फिगर में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल DEC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EABC। DEC का एरिया 77 है, EABC रेक्टेंगल का एरिया 140 है, दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा बेटा बताओ ज़रा? 217 cm² आएगा, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, हो गया आपका, ओके? चलो फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखो। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क्स, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। देखो कैसे, अगर आप मैं इस पोर्शन को, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, और इस पोर्शन को, नीचे वाले को, ठीक है, इसको, इसको मैं अगर 2 मान लूँ, तो बेटा फर्स्ट और 2nd पोर्शन तकरीबन तकरीबन सेम है। तकरीबन तकरीबन का मतलब है कि पूरा पूरा सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है? क्योंकि बेटा ये वाले सेमी सर्किल का, ये आपका सेमी सर्किल है, ठीक है? ये वाले सेमी सर्किल का भी एरिया कितना है बता सॉरी ये वाले सेमी सर्किल का भी डायमीटर कितना है? 14 है। और ये वाले भी सेमी सर्किल का डायमीटर कितना है? 14 है, ठीक है? तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। अच्छा, और आपको किसका निकालना है? देखो इसका निकालना है आपको। तो अगर इसको हटा के मैं इसको शेड कर दूँ तो भी वही चीज़ पड़ेगी। मेरी बात समझो अच्छे से, बहुत आसान है। ये पोर्शन फर्स्ट है, आपका सेमी सर्किल है जिसका डायमीटर 14 है, 14 है। ये भी आपका सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 14 है, ठीक है? मैंने कहा इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो अगर नीचे वाले पोर्शन को हटा के मैं ऊपर वाले पोर्शन को, यानी 1 को, ठीक है, ये फिगर 1 को मैं शेड कर दूं और नीचे वाले को अनशेड कर दूं, तो भी ये फिगर सेम ही रहेगा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर आ गया, ऐसा समझ लो। दोनों का एरिया तो सेम है, ठीक है ना? क्योंकि भैया डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम होगा तो दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है? मतलब ले देंगे, हमको क्या करना है इस किसका, इसका जो है सिर्फ और सिर्फ
सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, क्योंकि ये वाला तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो हम इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लो सॉल्यूशन। तमन मारी बेटा, मेरी बात की नहीं आई, यही होगा। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है बेटा, समझ में आया। सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टू, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और अपॉन में टू, तो हो जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कौन सा आर लेंगे, एक मिनट, कौन सा आर लेंगे? ये पूरा सेमी सर्कल की बात करें तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये है आपका 14, हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, 2 1 2 11 जा, 7 1 7 2 जा, 11 2 जा, कितना हो जाएगा बेटा, 22। 22 को आप क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 22 को क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा बेटा, 308 आएगा। कितना आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, मैंने कहा पोर्शन वन और पोर्शन टू सेम है, तो मैंने इस पोर्शन टू को हटा के पोर्शन वन में क्या कर दिया, बताओ क्या कर दिया, शेड कर दिया। जब पोर्शन टू को पोर्शन टू को हटा के पोर्शन वन में शेड किया, तो अब हमें कौन सा एरिया निकालना होगा इस पूरे सेमी सर्कल का, क्योंकि पूरा सेमी सर्कल शेड है, तो सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाल दिया। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 14। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, आसान है, देख लो, कोई बहुत ज़्यादा दुनिया पार की चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या दिया है, कह रहा है द पैरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर 14। इस बार पैरीमीटर पता करना है, तो पैरीमीटर हम पता कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे पैरीमीटर, पैरीमीटर समझना ठीक अच्छे से। अब देखो पैरीमीटर का मतलब है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे AED, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम लिख लो AED हो गया, फिर आप यहाँ पे लिख लो ABC, ये सी, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखो चाहो तो ABC, और यहाँ पे लिखो CFD, यानी आप पहले AED निकालोगे, फिर ABC निकालोगे और फिर CFD निकालोगे, तीनों को जोड़ दोगे, तो आपको इस पोर्शन का क्या पता चल जाएगा, पैरीमीटर। पैरीमीटर थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, आसान है लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, ये तो मैंने आपको नेमिंग कर दिया, इसलिए वैसे पता लगा लोगे। AED क्या है आपका, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ABC क्या है, ये भी आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। और CFD क्या है, ये भी आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तीनों को निकालोगे, जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, अब क्या लिखोगे, AED आर की लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, सरकमफ्रेंस का आधा कर दोगे, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर बाय 2। सरकमफ्रेंस का आधा करेंगे, क्योंकि AED आपको क्या सेमी सर्कल के लिए देख के ही लग रहा है, तो सरकमफ्रेंस निकाला, उसका आधा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर। आर कौन सा लेना है, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस लेना है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, AC, यानी कि 14। 7 1 जा 7 2 जा, कितना आ गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 44, साथ में सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसको निकालना है आपको, अब आपको निकालना है ABC आर्क, ये भी आपका सर्कमफ्रेंस का आधा होगा, वो अलग बात है कि यहाँ पे रेडियस दूसरी हो जाएगी। ठीक है, देखो ना, ABC भी तो आपका सेमी सर्कल है, वो अलग बात है, छोटा सर्कल है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना बचेगा, पाई आर। पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या लिखेंगे, रेडियस आप 14 मत लीजिएगा, अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ABC आर के लिए आपका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा, AC पूरा 14 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना बचा, 22, साथ में सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप CFD भी निकाल लो, CFD आर वही चीज़ होगा, 2 पाई आर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पाई। देखो CFD में भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, यानी CD की वैल्यू 14 है, तो इतनी सी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 14 का हाफ होगा, तो 7 हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखना चाहो, लिख लो पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 44, 22, 22, कितना आ जाएगा,
88 सेंटीमीटर आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा, देख सकते हो कितना आसान था। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। अच्छा यहाँ पे ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी एज डायमीटर। अच्छा ए बी को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल बना दिया गया। देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी इस पूरे का एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकालने से पहले हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी को निकालने के लिए कौन से थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बता ही चुका हूँ कई बार। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड गिवन हो, एक साइड पता करनी हो, तो हम कौन से थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का निकालने। यहाँ पर पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पी टी, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है समझना बेटा, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड ए सी है, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा, बेस बेस आपका ए बी है, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बी सी, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर पता करना है, तो ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ही रहेगा। ए बी आपका 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर दोगे। बी सी आपका कितना दिया, 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है समझ में आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूंगा समझना थोड़ा सा। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 169। ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 169 पर अंडर रूट लग जाएगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 आ गई। ठीक है, वैसे हमें इस क्वेश्चन में ए सी का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अगले क्वेश्चन में जस्ट इस्तेमाल है ए सी का। ठीक है, अच्छा अब दोनों का एरिया निकालोगे, दोनों का मतलब इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल को जोड़ देंगे, निकल आएगा। ठीक है निकाल लो सोल्यूशन डायरेक्ट ही है। यहाँ पे लिखेगा ए ओ एस आर, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए ओ एस आर, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा है सेमी सर्कल, ए बी दिया है, यहाँ पे कुछ और ले लो, डी ले लो, ठीक है, इस पॉइंट को डी मान लो, ऐसे बाहर जगह नहीं थी, ऐसे बाहर ही लिखना चाहिए था, लेकिन बाहर जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने अंदर लिख दिया। ए बी डी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, दोनों का एरिया निकालो जोड़ दो, आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालता है, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालता है, एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा ना, अच्छा अब समझना, ठीक है अच्छे से। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट, अब करते चलो पाई। रेडियस ऑफ सर्कल, अगर ए बी डायमीटर है सर्कल का, क्वेश्चन में कह ही दिया था कि ए बी को डायमीटर मान के हमने सर्कल बनाया है, अगर ए बी डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ए बी का आधा यानी 12 का हाफ, 12 का हाफ होगा 6, ठीक है बेटा, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस कितना हो जाएगा, ए बी होगा, ए बी की वैल्यू 12 दी है, हाइट कितनी हो जाएगी, बी सी होगी, बी सी की वैल्यू 5 दी है, ठीक है, 2 1 2 6 6 5 कितना हो गया 30, हो जाएगा पाई इंटू, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा अपॉन में 2 प्लस 6 5 कितना हो गया 30, 2 1 2 18 आंसर कितना है 18 pi + 30, ठीक है 18 pi + 30 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में पाई के ही फॉर्म में आंसर दिया है, ठीक है, कहाँ दिया देखो 18 pi + 30 या 30 + 18 pi सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों चीज़ें सेम है। क्लियर है बेटा, समझ में आया, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, थोड़ा समझना, ठीक है। देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से हटा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं हटा रहा हूँ ज़रा देख लो, समझ लो, आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छा समझते चलना, ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे किया है। कह रहा है द पैरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम ये दिया है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको पैरीमीटर निकालना है, तो पैरीमीटर मैं निकाल दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या दिक्कत है, सोल्यूशन देख लो,
POSR यानी पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पैरीमीटर कैसे निकलेगा बेटा, AC को लेंगे, BC को लेंगे, या कह लो AC को लेंगे, CB को लेंगे, और ये BDA जो आर्क है उसको ले लेंगे। BDA आर्क का कैसे निकलेगा भैया, BDA एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इस पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, यही तो करेंगे ना, यही चीज़ करेंगे हम। देख लो कैसे निकलेगा, AC लेंगे प्लस BC लेंगे और प्लस BDA आर्क लेंगे, BDA आर्क लेंगे, ठीक है, वैल्यू रख दो आ जाएगा। AC कितना आया है यहाँ पे देखो, कितना आया था, 13 आया था, BC 5 है। BDA आर्क कैसे लेंगे, BDA आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का आर्क है, तो ये हो जाएगा 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय 2, 2 से 2 क्या हो कैंसिल आउट हो गया, 13 और 5 मिलकर कितना हो गया 18 प्लस पाई। रेडियस कितना था यहाँ पे, रेडियस कितना था इस सर्किल का, रेडियस कितना था अभी बताया था, AB डायमीटर है, AB का आधा करेंगे यानी 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 18 प्लस 6 पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई हो जाएगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा ज़रा देखो, 18 प्लस 6 पाई और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्यों लिखा है बेटा, किसी में भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरीमीटर की बात कर रहा है, पैरीमीटर की जो यूनिट की पावर होती है वो 1 ही होती है, ठीक है, स्क्वायर तो एरिया की हो जाती है, ठीक है, आंसर कितना आएगा 18 प्लस 6 पाई सेंटीमीटर, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है बेटा, चलो समझ में आया ना अच्छे से। इसके बाद तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझना थोड़ा सा क्या दिया जरा देखो, कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब देन इट सरफेस एरिया इज, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, देख लो सोल्यूशन क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 729 है, क्यूब तो जानते हो ना, नहीं जानते तो देखो बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके की फिगर को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ भी कितनी होती है ए होती है, ब्रेथ भी ए होती है और हाइट भी कितनी होती है ए होती है, यानी कहने का मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया है कितना 729, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है क्योंकि ये क्यूबाइड सॉरी क्यूब है, तो ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए की पावर 3 इज इक्वल टू 729, ए के ऊपर से क्यूब हटेगा 729 पे अंडर रूट लग जाएगा, सॉरी अंडर रूट कह रहे हैं क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं तो पता है ना, 729 का साइड में एलसीएम निकालो, 3 3 का पेयर बनाओ निकल आएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाए, तो वो नंबर है 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 साथ में सेंटीमीटर, यानी इस क्यूब की साइड कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है इसमें जो सरफेस हैं, इसमें जो कितने सरफेस हैं क्यूब में, टोटल 6 सरफेस होंगे, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को इमेजिन कर लो, उसमें कितने सरफेस हैं, 4 तो आपकी दीवार होगी, अगल बगल देखो 4 तो आपके कमरे की दीवार होगी, एक आपका ग्राउंड फ्लोर होगा, ज़मीन होगी मतलब जिस पे आप चलते हो, और एक आपकी छत होगी, टोटल कितने होंगे 6 सरफेस हो गए ना, एक सरफेस का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a², ठीक है, निकाल लो 6, ए की वैल्यू आप पता है आपको 9 है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 6 वन ज़ा 6 8 6 ज़ा 48 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्यों लगा यूनिट में, क्योंकि ये एरिया है, ओके बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।